गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. सो आई होप यू आर डूइंग वेल, यू आर डूइंग स्टडी वेल. यस, सो टुडे वी आर गोइंग लास्ट इन यस्टरडे क्लास वी हैव सीन द किंगडम मोनेरा. यस, दैट इज द अर्लीस्ट, या बोल सकते हैं इट इज द टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म विच इज वी हैव कंसिडर इन द किंगडम मोनेरा. यस, नाउ टुडे आई एम गोइंग टू आपको मैं एक डायग्राम से रिप्रेजेंट कराना चाहती हूँ कि हाउ दिस किंगडम्स आर रिलेटेड टू ईच अदर. यस, सो हियर यू सी देयर इज अ डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ द फाइव किंगडम सिस्टम. इन दिस फाइव किंगडम सिस्टम व्हाट यू हैव सीन कि जो नीचे आपको दिख रहा है दैट इज द किंगडम मोनेरा. यस, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इवोल्यूशन. यू हैव सीन, आप देखेंगे कि जैसे जैसे ये ऊपर जा रहा है वो जो उनका इवोल्यूशन है वो होते जा रहा है. यस, दीज आर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ सेल्स, देन कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजिकल रोल. द किंगडम मोनेरा इज द, आप बोल सकते हैं इट इज़ द प्रोकैरियोट. जितने भी आपको ऑर्गेनिज्म दिखेंगे, बैक्टीरियाज मिलेंगे, दे आर ऑफ द प्रोकैरियोटिक टाइप. यस, आफ्टर दैट यहाँ पे हम देख रहे हैं एक बड़ा सा आपको एक किंगडम दिख रहा है, दिस इज द किंगडम प्रोटिस्टा. यस, दिस प्रोटिस्टा इज द किंगडम एज मैंने कल भी बताया था कि इट इज़ लाइक अ डस्टबिन किंगडम वेयर all the you find the animal like plant like organism, you see fungi. yes, so all these are present in this kingdom. earlier it was ki pehle humne dekha tha ki do hi kingdom Carl Linnaeus ne, in that you have मोस्ट ऑफ द टाइम व्हाट हैपेंड कि अगर वो उन्हें कंफ्यूजन होता था कि अब ना तो प्लांट की तरह बिहेव कर रहा है ना तो वो एनिमल की तरह बिहेव कर रहा है, तो हाउ वेयर शुड वी केप्ट दैट ऑर्गेनिज्म. ओके, सो फॉर दैट दे हैव क्रिएट एक नया किंगडम बन गया, दैट इज़ द किंगडम प्रोटिस्टा, वेयर मोस्ट ऑफ द ऑर्गेनिज्म इज आपको मिक्स टाइप के ऑर्गेनिज्म यहाँ पे देखने मिलेंगे. यस, इट इज़ यहाँ पे आपको प्लांट के जैसे भी देखने मिलेंगे, एनिमल की तरह भी, फंजाई की तरह भी. जैसे किंगडम मोनेरा इट इज कंटेनिंग ऑल द प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, वेयर इज इन द प्रोटिस्टा यू सी द यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोट्स. इन प्रोटिस्टा यू सी लाइक कि वो प्लांट की तरह भी रहेंगे और एनिमल की तरह भी रहेंगे, लाइक फंजाई की तरह भी. जब कुछ मॉडिफिकेशंस हुए या आफ्टर सम टाइम्स व्हाट धीरे धीरे जब साइंटिस्ट ने इसकी स्टडीज़ की तो व्हाट दे ऑब्जर्व की सम टाइम्स कि हमें यही किंगडम से, किंगडम प्रोटिस्टा से उन्हें कुछ ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पे ऑलरेडी प्रेजेंट है उनको अभी भी अपडेट कर रहे हैं कि वही कुछ ऑर्गेनिज्म को वो किंगडम एनिमिलिया में डाल देते हैं, कुछ ऑर्गेनिज्म को वो प्लांटे में डालते हैं, कुछ को फंजाई में डालते हैं एज पर वो स्टडी करके डिफ्रेंशिएट करते हैं. यस, सो दिस किंगडम इट कंटेनिंग, जैसे मोनेरा में एक स्पेसिफिक प्रोकैरियोटिक आपको सिर्फ बैक्टीरियाज ही मिलेंगे, ऑर्गेनिज्म की तरह भी. सो बिकॉज ऑफ दैट इट इज कॉल्ड एज इज द लिंक बिटवीन दिस किंगडम मोनेरा एंड किंगडम प्लांटे, किंगडम फंजा एंड किंगडम एनिमिलिया. सो इट इज द लिंक. यस, ये दोनों के बीच की एक लिंक है जो ये सारे किंगडम को एक दूसरे से जोड़ता है. यस, सो दिस इज द किंगडम वी आर गोइंग टू स्टडी टूडे, दैट द किंगडम प्रोटिस्टा. आफ्टर सम टाइम्स उसके बाद
से सारे जो किंगडम्स है दे आर कोरिलेटेड, कोरिलेटेड इन द सेंस कि यहाँ पे आप किंगडम के जैसे आपको यहाँ पे ऑर्गेनिज्म देखने मिलेंगे। यस सो अगर हम मोड ऑफ न्यूट्रिशन की बात करते हैं तो कैसे प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड दे आर ऑटोट्रॉफ दे और किंगडम प्रोटेस्टा दे आर देयर मोड ऑफ न्यूट्रिशन इज एब्जॉर्प्शन, एब्जॉर्प्शन से वो अपना फूड लेते हैं। दे आर हेटरोट्रॉफ बिकॉज दे आर नॉट प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड। यस स्पेरोफाइट्स मीन्स दे आर दीज आर दे आर बॉन्डेड डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। यस देन दी मोड ऑफ न्यूट्रिशन फॉर द किंगडम एनिमेलिया दे आर दी हेटरोट्रॉप्स एंड दे आर वो इंजेशन मतलब कोई भी चीज़ को जो भी ऑर्गेनिज्म है या कोई भी चीज़ है उसको खाते हैं। यस बिकॉज ऑफ दैट दे आर गेटिंग दी एनर्जी। सो हियर द फोटोसिंथेसिस एंड द फंजाई आर दी डिकम्पोजर। सो दिस इज हाउ द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस फाइव किंगडम क्लासिफिकेशन। यस सो नाउ टूडे वी आर गोइंग टू सी द किंगडम प्रोटिस्टा। सो किंगडम प्रोटिस्टा इट इज अ ग्रुप इंक्लूड्स ऑल द यूनिसेल्युलर बट यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। सो हियर द यूनिसेल्युलर बट द यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म आर द यस दिस ऑर्गेनिज्म शो अ लिंक विद ऑल यू फंजाई एंड एनिमेलिया। यस सो हमने देखा कि जो किंगडम प्रोटिस्टा है इट शो अ लिंक बिटवीन मोनेरा एंड किंगडम प्लांटे फंजाई एंड एनिमेलिया। यस अब हम वन बाय वन वी हैव सी हम देखेंगे वी विल सी कि कैसे कैसे इसको डिवाइड किया इन फोर टाइप्स लाइक प्लांट लाइक प्रोटिस्टा देन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा देन फंजाई एंड ऑल दी डीनोफ्रेजिलेट्स एंड यूग्लिनॉइड्स। सो दीज आर द क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ विच द किंगडम प्रोटेस्टा आर क्लासिफाइड। यस सो फर्स्ट वी सी द प्लांट लाइक प्रोटेस्टा दे आर ऑल्सो नोन एज दे आर ऑल्सो टर्म एज द क्रेसोफाइट्स दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज द क्रेसोफाइट्स। अब हम अगर किंगडम प्रोटेस्टा की अगर बात करते हैं तो इट इज़ द किंगडम ऑफ प्रिमिटिव टाइप एंड इट इज डिस्कवर्ड बाय द साइंटिस्ट हैकल्स इन 1866। ओके सम मेंबर रिलेटेड अगर हम देखते हैं तो सम मेंबर्स आर कोरिलेटेड विद एनिमल्स सम मेंबर्स आर कोरिलेटेड विद प्लांट्स इट हैज किंगडम इट डाइवर्सिटी डाइवर्सिटी रिगार्डिंग टू दे हैव उनकी मोर्टैलिटी वेरी करेगी सम आर मोटाइल सम आर नॉन डाइवर्सिटी उनके हमको स्ट्रक्चर में डाइवर्सिटी देखने मिलेगी। सो देयर इज वेरी मच डाइवर्सिटी इन दिस किंगडम। यस इट इज आप देखेंगे कि इट इज द मोस्ट एक्वेटिक या सारे आपको एक्वेटिक भी देखने मिलेंगे यहाँ पे एनिमल्स भी आपको देखने मिलेंगे। यस सो नाउ सी द प्लांट्स लाइक प्रोटिस्टा दे आर आल्सो कॉल्ड एज क्रेसोफाइट्स दे आर कॉमनली टर्म एज फाइटो प्लैंक्टन्स। अब फाइटो प्लैंक्टन्स क्या होते हैं प्लैंक्टन्स जो भी जैसे आप कई बार देखते हैं पानी के ऊपर कोई आपको प्लांट्स जो है वो तैरते हुए दिखते हैं या फिर बहुत सारी ऐसी डालिया लता ऐसे जो आपको ऊपर तैरते हुए दिखते हैं। यस बट समटाइम्स कि हमें वो पानी आपको एक
अलग कलर दिखाई देता है पानी का कभी कभी. यस, तो इट इज़ बिकॉज सम ऑफ दी फाइटोप्लैंक्टन्स. फाइटोप्लैंक्टन्स, फाइटो मीन्स प्लांट, प्लैंक्टन्स मीन्स कुछ तैरने वाली चीज़. तो जो प्लांट्स लाइक स्ट्रक्चर जो हम, इट इज़ वेरी मच माइन्यूट, दे आर माइक्रोस्कोपिक, दे आर नॉट सीन बाय अवर नेकेड आई, बट दे हैव द प्रॉपर्टी ऑफ फोटोसिंथेसिस. उनमें प्रॉपर्टी होती है फोटोसिंथेसिस की. बिकॉज ऑफ दैट दे आर द मेन प्रोड्यूसर इन द ओशन. उसका अगर वेट अगर हम देखेंगे वेल का, सो वेट होता है, बट 2 टन्स ये जो रहेगा फाइटोप्लैंक्टन्स रहेंगे. सो इट इज़ वेरी मच एनर्जी रिसोर्स भी है, और ये ओशियन में मैक्सिमम आपको जो भी फूड प्रोड्यूसिंग का काम है इट इज़ बाय दिस फाइटोप्लैंक्टन्स रिलेटेड. यस, इट इज़, दे आर माइक्रोस्कोपिक एंड मोस्टली फोटोसिंथेटिक एंड आर द मेजर प्रोड्यूसर इन ओशियंस. यस, अब हम क्रिसो फाइट करते हैं, तो दे आर ऑफ 2 टाइप्स. फर्स्ट इज द डैश, फर्स्ट इज द डैशमेट, DESMIDS, डैशमेट्स, एंड सेकेंड इज डायटम्स. इन योर बुक डायटम्स को ज्यादा फोकस किया है, सो वी विल सी अबाउट द डायटम्स. दीज आर द फाइटोप्लैंकटन, दे आर द मोस्ट इकोसिस्टम के ये प्रोड्यूसर्स होते हैं. एंड ये जो डायटम्स होते हैं दे ये 45% जो फूड प्रेजेंट जो सी में रहता है, इट इज जो डाय सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सिलिका. इनकी जो सेल वॉल है ये जो है वो सिलिका से मेड रहती है. एंड दे आर आप देखेंगे कि उनका जो एक स्ट्रक्चर होता है, इट इज़ लाइक का सोप का, जो आप देखेंगे सोप कवर या अपन सोप केस होती है, वो कैसा रहता है, एक सिंपल नीचे एक कटोरी या आप एक बोल के समान रहता है और ऊपर एक ढक्कन की तरह रहता है. यस, दिस इज, तो ये जो स्ट्रक्चर है सोप बॉक्स जैसा जो रहता है, सोप बॉक्स जिसमें हम सोप को रखते हैं, वो लाइकवाइज हियर ये डायटम्स के स्ट्रक्चर होता है. दैट पोज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द एक्सचेंज ऑफ मटेरियल फ्रॉम द आउटसाइड और इन्वायरमेंट से. वो कैसे कुछ चीज़ को एक्सचेंज करने के लिए दिस विल हेल्प. एंड दिस, और ये जो सिलिका से बना हुआ स्ट्रक्चर है, इट इज़ वेरी मच कि ये डिकम्पोज नहीं होता है ड्यूरिंग इवोल्यूशन. अगर हम देखेंगे कि आपको सी में बहुत सारे ऐसे डायटम्स देखने मिलते हैं, जो दिस डायटम्स विल एक्ट एज ए फॉसिल, ये फॉसिल की तरह एक्ट करता है, जिसके कारण हम इसको क्या बोलते हैं, डायटमियस अर्थ. यस, इसके नाम से भी हम इसके बोलते हैं, क्योंकि इट विल गिव इंफॉर्मेशन अबाउट अवर द सी इवोल्यूशन, कैसे इवोल्यूशन हुआ है उसके बारे में हमें इससे बहुत कुछ सीखने मिलता है. क्या होता है आफ्टर द इस ये सेल वॉल जो है वो सिलिका से बना होता है, इट इज़ नॉन डिस्ट्रक्टिव, बिकॉज ऑफ दैट इट एक्ट एज ए फॉसिल, इट एक्ट एज ए फॉसिल. आफ्टर दैट द सेल वॉल इज नॉट ब्रेक एंड इट विल एक्ट एज अ फॉसिल. यस, सो मोस्ट ऑफ टू एज द एटम्स एज दे हैव बॉडी वॉल्स मेड अप ऑफ 2 सोप बॉक्स लाइक फिटिंग सिलिका कवर. मतलब जैसे सोप बॉक्स की फिटिंग होती है वैसे उनकी क्या रहती है, सेल बॉडी बॉडी वॉल्स रहती है. दिस डायटमस शेल्स, यही शेल्स जो है ये लेफ्ट बिहाइंड फॉर सो मैनी ईयर्स, और यही जो है वो रह जाती है, जैसे वो डिग्रेड नहीं होती है, वो वैसे की वैसे ही सी में रह जाती है. एंड बिकॉज ऑफ दैट दे एज द फॉसिल. दिस डायटमस फाइंड यूज इन पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. एंड दिस आइटम्स के यहाँ पे आपको डायग्राम्स दिए हुए हैं, सो दिस डायग्राम्स, ये डायग्राम से हम
बॉक्स की तरह इसका स्ट्रक्चर है एंड दे आर ग्रैनुलर रहता है, मीन्स उसमें ग्रैन्यूल्स आपको देखने मिलेंगे, डॉटेड स्ट्रक्चर आपको देख यूज़ फॉर द पॉलिशिंग एंड फिल्ट्रेशन. इट इज़ वेरी मच यूजफुल इन पॉलिशिंग एंड कि ये दिस टाइप ऑफ डायटम्स आर एक्ट एज अ प्लांट. ये प्लांट की तरह दिस वन ऑफ द क्लास ऑफ द प्रोटिस्टा, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. यस, एनिमल की तरह. अब हमने देखा कि प्लांट की तरह दे आर बिहेव लाइक अ प्लांट. दे आर यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स बट दे बिहेव, दे प्रिपेयरिंग देयर ओन फूड. यस, सो दीज आर एग्जाम्पल इज द डायटम्स. नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द नेक्स्ट क्लास, दैट इज द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. मीन्स यहाँ पे आप जो प्रोटिस्टा देखेंगे दे बिहेव लाइक एनिमल्स. अब एनिमल का मेन आप देखेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है. दे हैव मेन कैरेक्टरिस्टिक्स कि दे हैव द लोकोमोशन, वो मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह. यस, एंड आप देखेंगे दे आर हेटरोट्रॉप्स बिकॉज दे आर डिपेंडिंग अपॉन अदर्स, अपने फूड के लिए दूसरों पे डिपेंड्स है, तो दे आर द हेटरोट्रॉप्स. सो दिस प्रॉपर्टी इज ऑल्सो शोन बाय दिस एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. यस, सो दे आर टर्म्स एज प्रोटोजोआ. जो हम प्रोटोजोआंस की बात करते हैं दीज आर कॉल्ड एज द एनिमल लाइक प्रोटिस्टा. यस, दे लैक सेल वॉल, जो हम देखते हैं कि सेल प्लांट में होता है, एनिमल्स में सेल वॉल लैक करता है. यस, दे आर हाइड्रोट्रॉप्स. यस, दिस इज वन ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स. दे आर बिलीव टू द प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म. अगर हम देखेंगे तो यही जो किंगडम प्रोटिस्टा है इट इज़ द प्रिमिटिव लाइफ फॉर द प्लांट ऑल्सो, इट इज़ द प्रिमिटिव ग्रुप फॉर द एनिमल ऑल्सो एंड इट इज़ ऑल्सो द प्रिमिटिव, मतलब सभी चीज़ों का जो इनिशियल स्टार्टिंग जो ग्रुप आप बोल सकते हो इट इज़ द प्रोटिस्टा. यस, सो सारे ही ग्रुप है उनका इनिशियल्स, मतलब स्टार्टिंग जो हुई है इट इज़ फ्रॉम द प्रोटिस्टा. सो इट इज़ बिलीव दैट इट इज़ द प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म्स. यस, अब हम यहाँ पे देखेंगे कि दे आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. यस, द एनिमल और द प्रोटोजोआ दे आर डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स. फर्स्ट इज द सूडोपोड्स. फर्स्ट इज द सूडोपोड, दीज आर द सूडोपोड्स. देन सेकेंड इज द फ्लैजिलेटेड, दैट इज फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. यस, मार्क आपको भी मार्क करना है. देन सीलिएटेड प्रोटोजोआ. देन फोर्थ इज द स्पोरोजोन प्रोटोजोआ. दीज आर द फोर टाइप्स ऑफ द प्रोटोजोआ. ओके, सो द सूडोपोडिया. यस, अमीबाइड प्रोटोजोआ हैव द सूडोपोडिया एज द लोकोमोटरी ऑर्गन. जैसे हमने बात की द एनिमल्स हैव द प्रॉपर्टी कि दे हैव वो इधर से उधर मूव कर सकते, दे हैव लोकोमोटरी ऑर्गन. यस, सो फॉर एग्जाम्पल अगर हम फर्स्ट इसकी बात करते हैं सूडोपोडिया, सो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है हम देखते हैं कि अमीबा. यस, अमीबा. यस, दिस इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ अमीबा. अगर हम देखते हैं कि इफ़ इट इज़ कि इफ़ यहाँ पे फूड प्रेजेंट है तो ये फूड को लेने के लिए द अमीबा विल, ये अपने जो सूडोपोडिया है दैट इज़ इसको एनलार्ज करेगा और जिसके कारण ये धीरे धीरे मूव होगा टूवर्ड्स द फूड. यस, वंस इट एनगल्फ, फूड उसके अंदर आ जाएगा. यस, यहाँ पे फूड आने के बाद इट एनगल्फ, ये उसको एनगल्फ कर लेगा. एंड आफ्टर एनगल्फिंग उसके बाद उसमें फैगोसाइटोसिस होगा. मीन्स दिस यहाँ पे एंजाइम्स एक्ट करेंगे, दिस फूड के ऊपर क्या कर रहे हैं एंजाइम एक्ट करेंगे एंड दिस एंजाइम विल डिग्रेड द फूड एंड जो भी उसका न्यूट्रिशन रहेगा वो उससे न्यूट्रिशन को वो एब्जॉर्ब कर लेंगे एंड जो भी वेस्ट मटेरियल इट विल एक्सक्रीट फ्रॉम द बॉडी. तो यहाँ पे दे हैव यूजिंग दिस सूडोपोडिया, दिस आर द सूडोपोडिया, ये सूडोपोडिया का यूज़ कर रहे हैं फॉर द लोकोमोशन. यस, तो एक जगह से दूसरे जाने के लिए दे आर यूजिंग द सूडोपोडिया. सो दिस इज वन टाइप ऑफ एन प्रोटोजोआ. यस, देन सेकेंड इज द फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोआ. एज द नेम
related protozoa, it is having the flagella. Yes, you know the flagella ki is tarah se structure hai, and they are, this is the flagella. Yes, this is used for the locomotion. Yes, so here Entamoeba is the endoparasite and cause amoeboid dysentery. Flagellated protozoa had flagella, motor organ. Yes, trypanosoma is the common flagellated pathogen which cause sleeping sickness. This is the this is यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे फ्लैजिला प्रेजेंट है, तो बिकॉज ऑफ दैट दे आर एबल टू मूव फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस. यस, फॉर वेरी मच गुड एग्जाम्पल इज द ट्राइपोनोजोमा. इट इज द कॉजिटिव ऑर्गन ऑफ द स्लीपिंग सिकनेस. यस, सो फर्स्ट इज द सुडोपोडिया, सेकेंड इज द फ्लैजिला, देन थर्ड इज द सीलिएटेड पैरामेशियम. यस, पैरामेशियम में अगर हम आप बुक के पीछे आपका देखेंगे, देयर इज अ डायग्राम ऑफ पैरामेशियम. यस, इन पैरामेशियम दे हैव सीलिया लाइक स्ट्रक्चर ऑल अराउंड दिस. यस, सीलिया फॉर देयर लोकोमोशन. यस, सो वंस क्या हो रहा है यहाँ पे, जैसे फूड फूड कहाँ से, फूड जो है वो खुद नहीं प्रोड्यूस कर रहे, दे आर गेटिंग फूड फ्रॉम द आउटसाइड. यस, अब जैसे ही फूड आया, दिस ओरल ग्रूव से जो है ये फूड एंटर करेगा. वंस इट एंटर इट गोज इन टू द गुलेट पार्ट. यस, गुलेट इज लाइक कि जैसे हमारा स्टमक होता है, लाइकवाइज ये गुलेट भर जाएगा जैसे ही खाना आता रहेगा यहाँ से. यस, वंस इट इज़ फेल्ड, यहाँ से एक आपको वैक्यूल्स दिख रहे हैं, दिस वैक्यूल्स बनेंगे. ये वैक्यूल्स इज कंटेनिंग दिस फूड, वैक्यूल्स जो दिख रहे हैं आपको, ये इसमें फूड रहेगा. वंस यहाँ पे फूड जो है इट विल गोज इन टू द साइटोप्लाजम, और यहाँ से फिर ये फूड वैक्यूल में एंजाइम्स एक्ट करेंगे. दिस एंजाइम, दिस डाइजेस्टिव एंजाइम्स विल एक्ट ऑन द फूड वैक्यूल, और जो भी फूड है वो कंज्यूम हो जाएगा, एंड इट विल गोज इन टू द साइटोप्लाजम, एंड आफ्टर दैट जो वैक्यूल है इट विल श्रिंक. क्या हो जाएगा, वो श्रिंक हो जाएगा, और श्रिंक होने के बाद इट विल गोज आउट विद द एनल पार्ट. यस, सो लाइकवाइज हियर क्या हो रहा है, यहाँ पे सीलिया का यूज़ किया जा रहा है. दे आर यूजिंग सीलिया एट ओरल ग्रूव, इट गोज इनटू द गुलेट पार्ट. वंस इट गोज से फिल होता है, लाइकवाइज हियर दे हैव फिल्ड द गुलेट. आफ्टर फिलिंग दिस दे फॉर्म द फूड वैक्यूल्स, एंड द एंजाइम्स एक्ट ऑन द फूड वैक्यूल्स एंड एब्जॉर्ब ऑल द न्यूट्रिशन, एंड इट विल न्यूट्रिएंट पार्ट टू द साइटोप्लाज्म, एंड देन द फूड वैक्यूल विल श्रिंक एंड इट विल गोज आउट विद द एनल पार्ट. यस, सो दिस इज हाउ द वर्क इज. Here the cilia is useful for their locomotory organ. Yes, so third is the ciliated protozoa, and good example is the paramecium. And the gullet or cavity opens for on the cell surface. Yes, then plasmodium is a sporozoan protozoa. It causes malaria and it forms spores in one of its life stage. अब हम जब इसको और डिटेल में नेक्स्ट ईयर जब आप 12th में जाएंगे, यू विल स्टडी कि कैसे ये जो प्लाज्मोडियम है ये एक्ट करता है. तो ये क्या करता है अपने लाइफ साइकिल में, दे इट विल फॉर्म द स्पोर्स, एंड दिस स्पोर्स इज ये जो है उसको प्रोटेक्ट करके रखता है. जैसे हम देखते हैं कि मलेरिया जो है वो खुद ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह खुद ट्रांसफ़र नहीं होता है, इट इज़ बाय द मॉस्किटो बाइटिंग बीट करता है, उससे हमको ये कॉज होता है. यस, तो यहाँ पे कैरियर कौन है, मॉस्किटो है जो एक जगह से दूसरी जगह, एक जो पेशेंट है जो जिसको ऑलरेडी मलेरिया है उससे उसने खून को चूसा, ट्रांसफर अगर वही मच्छर ने आपको काटा, देन इट विल ट्रांसफर द सेम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू यू. यस, तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो ऑर्गेनिज्म है वो खुद ट्रांसफर नहीं, वो विद द हेल्प ऑफ सम
जो कर रहा है, यह कैरियर इज द मॉस्किटो। तो यहाँ पे जो ऑर्गेनिज्म है उसको होस्ट कौन प्रोवाइड कर रहा है, इट इज बाय द कैरियर। और वो जो कैरियर है गेट, अगर उसको प्रॉपर एनवायरनमेंट मिल जाता है उसके बाद इट विल वो अपने नॉर्मल लाइफ साइकिल को स्टार्ट कर लेगा। और ऐसे जैसे हम देखते हैं कि एनिमल्स जो है हाइबरनेशन, मतलब जब ठंड के दिन होते हैं तो आप देखते हो वहाँ पे वो कुछ महीने वहीं बिताते हैं। लाइकवाइज द बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ इज ऑल्सो, वो खुद को एक स्पोर फॉर्म में या उसके सर्वाइवल की कंडीशन नहीं आती है तब तक वो उसी फॉर्म में रहते हैं। सो इट इज़ द स्पोर जो है उसका ही लाइफ साइकिल का एक पार्ट है जो अपने आप को स्पोर फॉर्म में कन्वर्ट कर लेता है। वंस इट गॉट द अच्छा होस्ट उसको मिल गया, होस्ट मिल गया, फिर से अपनी उसने लाइफ साइकिल को क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया। सो इट इज़ द स्पोर, एग्जाम्पल इज द प्लाज्मोडियम। एंड इसका बेस्ट एग्जाम्पल क्या है, जो प्लाज्मोडियम इज द बेस्ट एग्जाम्पल एंड इट इज कॉजिटिव ऑर्गेनिज्म फॉर द मलेरिया। एंड स्पोर इज द वन ऑफ द स्टेज ऑफ द लाइफ, एनिमल लाइक प्रोटिस्टा इज डिवाइडेड इनटू फोर टाइप्स, दे आर द हेटरोट्रॉप्स, दे लैक्स द सेल वॉल, दे बिहेव लाइक अ प्रिमिटिव एनिमल फॉर्म। एंड देयर आर फोर टाइप्स जैसे सूडोपोडिया, फ्लैजिलेटेड, सीलिएटेड एंड स्पोरोजोआ। दीज आर द फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ द प्रोटिस्टा फाउंड इन द फाउंड, आप बोल सकते हैं दीज आर द डिफरेंट टाइप्स। नाउ वी आर सीइंग, अब हम बात करते हैं थर्ड टाइप, दैट इज ये अपन डायनो फ्लैजिलेट्स। ये हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, हम एक छोटा पार्ट आज कवर करते हैं, दैट इज द फंजाई। एज द फंजाई, आप हम जूनियर क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं कि फंजाई व्हाट इज द फंजाई, इट इज कॉमनली इट इज यूज डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म। दे डिपेंड्स ऑन द डेड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म के ऊपर वो मेनली आपको देखने मिलते हैं। दीज आर द कॉमनली फॉर्म ऑफ ग्रुप, दैट इज द मैक्सोमाइसिटीज। दीज आर स्पेरोफेटिक ऑर्गेनिज्म एंड फाउंड ऑन द डिकेइंग लीव्स एंड ऑर्गेनिज्म, कोई भी इस पे आपको मिलेंगे। देयर सेल एग्रीगेट टू फॉर्म लार्ज सेल मास कॉल्ड द प्लाज्मोडियम। दिस प्लाज्मोडियम इज डिफर फ्रॉम द मलेरिया पैरासाइट्स। ये खुद के सेल्स को एग्रीगेट कर ते हैं और एक सेल मास बनाते हैं, दैट यू कॉल्ड एज द प्लाज्मोडियम। द स्पोर्स प्रोड्यूस बाय प्लाज्मोडियम इज वेरी टफ एंड सर्वाइव इवन इन हार्श कंडीशन। एक्सक्यूज मी, सो यहाँ पे वो क्या बना रहे हैं, एग्रीगेट कर रहे हैं खुद को, स्पोर्स बना रहे हैं। एंड इट इज ये जो स्पोर फॉर्म है इट विल हैव वेरी मच टफ एंड इट सर्वाइव इवन इन द हार्श कंडीशन। कोई भी कितना भी आप उसको टेम्परेचर दीजिए, कितना भी आप उसको हीट दीजिए, तब भी वो क्या होगा, डिस्ट्रॉय नहीं होगा। सो इट हैव द प्रॉपर्टी, स्पोर्स हैव द प्रॉपर्टी के दे लिव इन द हार्श कंडीशन ऑल्सो। सो इसीलिए अगर हम जब कोई भी चीज़ को, जब आपको बोला जाता है कि हमें वायरस को अगर मारना है या फिर हम जब लैब में काम करते हैं तो ड्यूरिंग लैब कंडीशन वी रिक्वायर्ड स्टराइल इन्वायरमेंट। फॉर द स्टराइल इन्वायरमेंट, अगर हमें कोई इंस्ट्रूमेंट या कोई डिफरेंट चीज़ों को भी यूज़ करना है तो उन सब चीज़ों दे शुड बी स्टरलाइज, मतलब इट इज़ उसकी उसमें कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट नहीं रहना चाहिए। अब बैक्टीरिया तो यह हमें दिखाई नहीं देते हैं, वायरसेस ये हमें दिखाई नहीं देते विद अवर नेकेड आइज। सो हाउ वी गेट कि हमने जो साफ किया है इट इज़ स्टरलाइज। तो बिकॉज ऑफ दैट हम
एक जैसे कुकर की तरह एक बड़ा सा ऑटोक्लेव सिस्टम होता है जिसमें हम सारे हमारे इंस्ट्रूमेंट को रख देते हैं एंड वी आर प्लेस्ड, सारे इंस्ट्रूमेंट ग्लास के होते हैं एंड वी आर केप्ट फॉर 20 मिनट्स, और वो स्टीम में उसको हम स्टरलाइज करते हैं। आफ्टर स्टरलाइजेशन उसके जब प्रेशर रिलीज हो जाता है, वो इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉपर कंडीशंस में ही उसको खोला जाता है, मतलब उसको सबसे पहले उसको रैप किया जाता है पेपर में। आफ्टर रैपिंग उसके बाद उसको कुकर में रखा जाता है, उसके बाद ही उसको 20 मिनट्स के लिए स्टीम जो रहती है, इट हैज़ वेरी मच गुड कैपेसिटी कि वो वायरस एंड बैक्टीरियाज़ को मार सकता है, क्योंकि ये स्टीम जो है उनके अंदर, बॉडी के अंदर जाके उसको बर्स्ट कर देता है। यस, सो बिकॉज ऑफ दैट जो स्पोर्स होते हैं दे ऑल्सो गेट किल्ड बाय द ऑटोक्लेव जो सिस्टम होता है, उसमें वो स्पोर्स भी वो किल कर देता है। सो आफ्टर दैट वी गेट द स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट, और वो स्टरलाइज इंस्ट्रूमेंट को हम प्रॉपर इन्वायरमेंट में ही जाके उसको खोलते हैं और वहाँ पे उसको यूज़ करते हैं। यस, हम जो भी माइक्रोबियल एक्टिविटी करते हैं या जो माइक्रोबायोलॉजी में मेन वर्क किया जाता है, इट इज़ कि आप एक बर्नर रहता है और बर्नर के आजू बाजू में ही जो एक ऑरा, जैसे हम देखते हैं कि एक फ्लेम के आजू बाजू एक जो कंडीशन रहेगी, कुछ सेंटीमीटर की दूरी तक ही वो अपनी गर्माहट को फैला सकता है। यस, तो एट दैट उतने ही एरिया में क्या करते हैं, हम अपना वर्क करते हैं। तो वो जो चीज़ें हैं वहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, वी आर अवॉइडिंग ऑल दी, कोई भी कंटेमिनेशन को हम अवॉइड कर रहे हैं। यस, रिगार्डिंग बैक्टीरिया, वायरस, सारी चीज़ों को। तो यहाँ पे भी वो मैंने आपको इतनी सारी चीज़ें इसीलिए बताई कि हम वहाँ पे जो ये स्पोर्स होते हैं, वो स्पोर्स को भी हम वहाँ पे मार सकते हैं विद द हेल्प ऑफ द स्टीम। यस, इसीलिए आपको अभी कई बार आप सुना भी होगा कि फॉर दिस कोरोना वायरस ऑल्सो इट इज सजेस्टेड कि आप वी हैव हमने स्टीम लेना चाहिए। विद दिस वी जितना भी हमारा नेजल पार्ट में जितना भी हो सकता है कभी हम इन्फेक्टेड हुए हो, तो इट विल हेल्प फॉर द डिस्ट्रक्शन ऑफ द वायरस। यस, इट इज दी कि स्टीम हैव वेरी मच गुड कैपेसिटी कि वो आप जो वायरसेस उसको डिस्ट्रॉय कर सकता है। यस, सो दिस स्पोर्स जो फॉर्म होता है, इट इज़ वेरी मच आप बोल सकते हैं वो इतना ज़्यादा, आप देखते हैं कई बार आप फंगस जो है, एक साल आपके अगर कहीं दरवाजे पे फंगस लगी, आपने उसको साफ किया, नेक्स्ट ईयर वापस से आपको वहीं पे वो फंगस फिर से दिखती है। यस, क्योंकि हम उसको मार उस समय के लिए हटा तो देते हैं, बट आफ्टर सम टाइम वो खुद को अपने क्या करता है, स्पोर फॉर्म में रख लेता है, एंड जब तक उसको वो इन्वायरमेंट से वो नेचुरल कंडीशन वैसी मिलती नहीं है, तब तक वो अपने स्पोर फॉर्म में रहता है। वंस इट गेट द गुड इन्वायरमेंट, वो फिर से अपने आप को वहाँ पे फिर से वो ग्रो कर लेता है। सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पोर्स कि कितने सालों तक वो वैसा का वैसा ही रह सकता है। सो बिकॉज ऑफ दैट इट हैज़ द कैपेसिटी दैट इट लिव इन द हार्श कंडीशंस ऑल्सो। यस, सो दिस इज द प्रॉपर्टी ऑफ द स्पोर्स। यस, सो फंजाई इज ऑल्सो अ ग्रुप ऑफ द प्रोटिस्टा। सो टुडे वी विल सी दिस मच ऑल्सो दिस मच, उसके बाद हम कल जो वीडियो देखेंगे उसमें हम पढ़ेंगे दैट इज व्हाट इज डायनो व्हाट इज डायनोफ्लैजिलेट्स एंड व्हाट इज यूग्लिनॉइड्स। सो अभी तक हमने क्या पढ़ा, वी हैव सीन इन द प्रोटिस्टा, वी हैव सीन हमने तीन क्लासेस को आज कवर पार्ट्स को कवर किया, दैट इज द प्लांट लाइक प्रोटिस्टा, देन एनिमल लाइक प्रोटिस्टा एंड द फंजाई लाइक प्रोटिस्टा। यस, इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल सी द नेक्स्ट टू लेफ्ट पार्ट्स ऑफ द प्रोटिस्टा। यस, ओके, थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।